दवाई खाकर भी हमें एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, टेंशन घबराहट आती है, या फिर दवाई जब तक खाते हैं तब तक ठीक रहते हैं, बाद में आती है, या फिर हमको दवाई नहीं चाहिए, अब आप बताओ क्या करना है, ऐसे प्रॉब्लम्स लेके लोग हमारे पास में आते रहते हैं। ऑनलाइन लोग आते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन, ऑफलाइन कंसल्टेशन, तो उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त ने महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को, करीब करीब 10-15% लोगों को एंग्जाइटी डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं। एंग्जाइटी जो होती है मतलब बेचैनी, घबराहट, धड़ 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 मतलब सीने में लगना, हाथ थर थर कांपना, पसीना आना, बाहर जाने का डर, ऐसा लगता कि मर जाऊंगा, फिर टेंशन हेडेक, उसकी वजह से नींद नहीं आना, पेट में मरोड़ आना, ऐसे बहुत सारे लक्षण घबराहट, चिंता, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के लोगों को दिखते आते हैं। फिर उसके लिए वो गोली खाते, गोली खाया, दवाई खाया, ठीक लगता है। तो भी हमको इसमें मूल में जाने का है, रूट में, कि ऐसा क्यों, कि दवाई खाने से ठीक क्यों लगता है, और दवाई बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं थॉट रिजिडिटी। थॉट रिजिडिटी या कॉग्निटिव रिजिडिटी के कारण ऐसा होता है। अब ये क्या है वो आपको बताता हूँ। बेसिकली ये सिम्टम, ये लक्षण आते ही क्यों है, ये आते इसलिए कि हमारे दिमाग में जो फील गुड हॉर्मोन्स है, फील गुड हॉर्मोन्स, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, ये चार जो फील गुड हॉर्मोन्स है, ये हॉर्मोन्स देवदूत है, ये अच्छा महसूस करवाते हैं। और ये जो हॉर्मोन्स है, ये हॉर्मोन का प्रमाण कम हो जाता। अब जैसे ये हॉर्मोन का प्रमाण कम हो गया, लक्षण आना शुरू हो जाते। तो ये कम क्यों होता है, वो होता है कॉग्निटिव रिजिडिटी या थॉट रिजिडिटी की वजह से। अच्छा, फिर दवाई से क्या होता है, दवाई से ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। ब्रेन रिलैक्स हो गया कि सेरोटोनिन डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है और आपको अच्छा लगता है, मगर दवाई के साइड इफेक्ट्स भी है, मोशन साफ नहीं होना, बराबर नहीं दिखना, नींद आना, ऐसे लक्षण दवाई के रहते, इसलिए लोग दवाई लेना नहीं चाहते हैं। तो फिर हमको जानना पड़ेगा पहले कि दवाई बंद किया तो नेचुरली ये कैसे ठीक करे। तो नेचुरली ठीक करने के लिए पहले आपको समझना होगा कि होता क्यों है। देखिए, मैंने पहले बताया कि भाई सेरोटोनिन, डोपामिन, ये जो फील गुड हॉर्मोन्स है, इनकी लेवल कम होती है। इनकी लेवल कम क्यों होती है, ये कम होती है न्यूरोनल इन्फ्लेमेशन की वजह से, दिमाग में सूजन आने की वजह से। दिमाग में सूजन आना मतलब एक ऐसी कंडीशन की जिसमें ये जो न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स डोपामिन सेरोटोनिन की मात्रा कम कर देते हैं, सिक्रीशन कम कर देते हैं, केमिकल लोचा तैयार कर देते हैं, और उसकी वजह से ऐसा होता है। क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थिंकिंग जब होता है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग, तो बहुत ज़्यादा थिंकिंग होने से दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। बहुत ज़्यादा दिमाग जब चलता है, मतलब न्यूरॉन्स, ब्रेन बहुत ज़्यादा चलता है, तो वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तैयार करता है, टॉक्सिन्स तैयार करता है। अब ये दिमाग के जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है, मतलब वो जो टॉक्सिन्स जो तैयार होते हैं, उनको साफ करने के लिए हमारे पास में एंटीऑक्सीडेंट्स है। अब ब्रेन जब ज़्यादा काम करना चालू करेगा तो ज़्यादा फ्री रेडिकल्स तैयार हो रहे, ज़्यादा टॉक्सिन्स तैयार हो रहे, तैयार तो बहुत ज़्यादा खराब करके हो रहा है, मतलब खराबा ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा मात्रा में तैयार हो रहे, साफ करने की मात्रा कम पड़ रही है। एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी जो है, एंटीऑक्सीडेटिव जो एजेंसी हमारे दिमाग की, वो कम हो रही है, वो इनसफिशियंट है, उसके वजह से साफ सफाई कम हो रही है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ रही है, और वो क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स जो टॉक्सिन्स है, वो हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स है उनको लाते हैं सूजन, उनके काम में लाते हैं रुकावटें, और जब रुकावटें लाते हैं तो नेचुरली डोपामिन सेरोटोनिन का सिक्रीशन कम हो जाता है, और वो कम हो गया कि एंग्जाइटी आती। जब ब्रेन रिलैक्स रहता है, एकदम रिलैक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा, ये टॉक्सिन्स जितने पैदा होते हैं उतने बाहर निकाले जाएंगे, तकलीफ ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ होता है कि ये जो टॉक्सिन्स है उसका ज़्यादा तैयार होना और साफ सफाई नहीं होना। फिर हम यदि ऐसा करें कि ज़्यादा जो तैयार हो रहे टॉक्सिन्स उसको ही तैयार ना करें, मतलब वो तैयार ना होने दे, हाँ तो वो संभव है, क्योंकि जब आप दवाई लेते हैं तो ब्रेन रिलैक्स होता है, ब्रेन रिलैक्स हो गया टॉक्सिन्स कम होते हैं, टॉक्सिन्स कम हो गए, इन्फ्लेमेशन कम, सूजन कम, डोपामिन लेवल, सेरोटोनिन लेवल बढ़ गई।
तो फिर हमको ये देखना है कि ब्रेन का फंक्शन जो है वो जो ज़्यादा काम कर रहा है ब्रेन, तो ज़्यादा ब्रेन को काम नहीं करने देना है। तो फिर जानना पड़ेगा ब्रेन ज़्यादा काम क्यों कर रहा है। ब्रेन ज़्यादा काम इसलिए कर रहा है बिकॉज ऑफ द निगेटिव पैटर्न्स। जो निगेटिव पैटर्न दिमाग में बैठे हैं उसके वजह से ब्रेन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। फिर निगेटिव पैटर्न आए कहाँ, वो देखना पड़ेगा कि निगेटिव पैटर्न्स को हमको कम करना पड़ेगा। निगेटिव पैटर्न कम हो गए तो ब्रेन रिलैक्स होगा, और ब्रेन रिलैक्स रहेगा तो काम फत्ते, कोई प्रॉब्लम नहीं। निगेटिव थॉट पैटर्न जो है वो निगेटिव थॉट पैटर्न क्यों आते वो देखना पड़ेगा, तो हम रिमूव कर सकेंगे। क्या होता है कि बचपन में जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं तो सब वातावरण हमारे ऊपर एक प्रोग्रामिंग करते रहता है। पेरेंट्स का प्रोग्रामिंग, माँ बाप का, दादा दादी, नाना नानी, अंकल चाचा चाची, दोस्त, टीचर, टीवी, यूट्यूब, सबका एक प्रोग्रामिंग दिमाग में होते रहता है। और प्रोग्रामिंग हो गया एक अपनी इमेज अपने बारे में एक तैयार होती है। तो दिमाग में दो इमेजेस तैयार होती है वैसे, एक है मैं जो हूँ वो, और एक है कि जो मुझे चाहिए वो। अभी मैं हूँ एक्स और मुझे चाहिए कि मैंने वाई बनना है। मुझे मिले हैं 10 में से 5 गुण, मेरे दिमाग में मैं तो 5 हूँ, मेरे को मालूम है कि 5 गुण है, अब भी मुझे चाहिए 10, क्योंकि वो सामने वाले को 10 है। मैं कंपेयर करता हूँ, लोगों को देखता हूँ, उनके पास में 10 है, वो वैसा है, मुझे भी वैसा बनना है। तो अभी क्या हो गया, कंपेरिजन तैयार हो गई, लो सेल्फ एस्टीम तैयार हो गई। जैसा पेरेंट्स का है मानना है कि नहीं नहीं आपको तो 90% के नीचे आना ही नहीं चाहिए, तो फिर बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने एक इमेज बना लिया कि अपन 90% चाहिए भाई। अब वो 90% के लिए उसने एक इमेज तैयार किया, अब है वो कितना, 80, इमेज कौन सी है 90 की। अब क्या हो गया, इसमें डिस्पेरिटी आ गई, मैच नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, चाहिए 90 अभी और जो है वो नहीं चलता। क्यों, क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं ये नहीं चलता भाई, तो ये नहीं चलता, मुझे ये नहीं होना है, अब मुझे चाहिए वो, और वो फिर निगेटिव पैटर्न्स तैयार करते रहता है। कंटिन्यूस कंपैरिजन, चिड़चिड़ापन, फिर वो ज़्यादा है तो किससे ज़्यादा है, वो मेरे से, मतलब मैं कम हूँ वो ज़्यादा है, तो मेरी सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाती है। और फिर मेरा चालू रहता है स्ट्रेस कि मैं वैसा कैसे बनूँ, उस जैसा कैसा बनूँ, और फिर मैं स्ट्रेस में आता है और वो सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये जो ऑटोमेटिक निगेटिव थाट्स है उसका एक पैटर्न बन जाता है, आप सोचो ना सोचो वो वैसे ही तैयार हो जाता है ऑटोमेटिक। उसको हम बोलते हैं ANT, ये ATM एक्चुअली है, ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी। 600 से 800 शब्द अपने आप से आप बोलना चालू कर देते हैं दिमाग में, इतना फास्ट चलता है वो। और फिर वो मशीनरी निगेटिव 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 तैयार कर रही है। निगेटिव कौन सा, जो चाहिए वो नहीं चाहिए, जो है वो नहीं चाहिए, जो नहीं है वो चाहिए। और इसको बोलते हैं थॉट रिजिडिटी। मानने को ही तैयार नहीं है। क्या मानना चाहिए, मानना ये चाहिए कि देखो सब 90 नहीं मिला सकते, मैं 90% में का नहीं हूँ, मैं 80 वाला हूँ, और 80 कोई बुरा नहीं है। 80 क्या बुरा है, उल्टा 80% वाले जो है वो बहुत सुखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको 80 मिले थे वो उनके जीवन में सुखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि 90 वाले सुखी है। और फिर 90 वाले सचमुच सुखी है क्या, पूछो जाके कि 90 वाला सुखी है, जिसको 90% मार्क मिले वो सुखी है, क्योंकि 90 वाला भी सुखी नहीं है, वो अपने दिमाग में और कुछ चाहता है कि मुझे ऐसा बनना है, वो भी दुखी है। तो फिर ये जो रेस में मैं लगा हूँ, ये रेस ऐसी है कि जो रेस में मैं जीतने वाला ही नहीं हूँ। 90 मिले वो भी सुखी नहीं है, 80 मिले वो भी सुखी नहीं है, और 70 मिले वो भी सुखी नहीं है। उल्टा ये है कि जो कॉलेज के ड्रॉपआउट्स है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं, क्योंकि उनको ये बात आती है कि लोगों को चलाना कैसे, लोगों से काम कैसे निकालना, लोगों का टाइम कैसे खरीदना, वो उनको आता है और वो बहुत अमीर बन गए। और जो 90 वाला था वो क्या कर रहा है, जिसको 90% मार्क मिले वो बच्चा 60% जो मार्क मिलने वाला लड़का था उसके कॉलेज का, स्कूल का, उसके यहाँ नौकरी कर रहा है, क्योंकि 60 वाला बहुत आदमी बन गया, बड़ा बिजनेसमैन बन गया, उसके यहाँ 90 वाला काम कर रहा है। पैसा, गाड़ी, बंगला, क्या खुश है वो लोग, नहीं है, अपने अपने तरीके से वो भी दुखी है। तो ये जब आप क्वेश्चन करेंगे अपने आप से, अपने आप से क्वेश्चन करना, अपने आप से डिबेट करना, अपने आप को पूछना है
कि भाई ये जो मैं सोच रहा हूँ ये क्या सही है, क्या लॉजिकल है कि मैं एक्स हूँ और वाई वाला जो है वो सुखी है? ऐसा तो नहीं है प्रैक्टिकल में। मुझे 85% मार्क मिले, क्या 95 वाला सुखी है? नहीं है, वो अपना अपनी जंग लड़ रहा है। मैं तो हरदम ये बोलता हूँ ना कि हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में अपनी अपनी जंग लड़ रहा है। हमको मालूम नहीं कि उसका क्या चाल, उसके दिमाग में क्या चाल है। हमको ये मालूम नहीं उसको क्या स्ट्रेस है, हमको ये मालूम नहीं उसके लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ मालूम नहीं। हमको लगता है कि वो अच्छा है मैं खराब, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये जब हम ये थॉट रिजिडिटी निकाल देते हैं, कॉग्निटिव रिजिडिटी निकाल देते हैं और थॉट फ्लेक्सिबिलिटी तैयार करते हैं, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी तैयार करते हैं, तो डेफिनेटली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाएगा, ब्रेन का ओवर थिंकिंग कम हो जाएगा, ये जो पैटर्न है वो कम हो जाएगा, टॉक्सिन्स कम हो जाएंगे, नेचुरली ब्रेन रिलैक्स रहेगा, टॉक्सिन्स कम है। जैसा मैंने पहले बताया, टॉक्सिन्स यदि कम है तो न्यूरॉन्स जो है उनकी सूजन नहीं आएंगी, उनका इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, डोपामिन सेरोटोनिन लेवल अच्छी मात्रा में तैयार होगा और एंग्जाइटी डिप्रेशन से आप मुक्ति पाओगे। तो आपको करना क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से निगेटिव थाट्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं, कहाँ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, कहाँ मैं अपने आप को कोस रहा हूँ, कहाँ मैं अपने आप को कम मान रहा हूँ। पहले दूसरा क्या है सही है, मैं जो बनना चाहता हूँ क्या वो सुखी है, मैं जो पाना चाहता हूँ जिन्होंने पाया है क्या वो सुखी है, क्या उनको स्ट्रेस नहीं है? ऐसा तो नहीं है। तो जब ये आप अपने आप से डिबेट करेंगे, अपने आप से डिस्प्यूट करेंगे, अपने आप को क्वेश्चन करेंगे, तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि मार्क्स का कोई लेन देना नहीं है। आदमी कभी भी जिंदगी भर खुशी नहीं हो सकता, खुशी मिलती है टेम्पररी, बाद में फिर दुखी हो जाता है। तो जो है मिला हुआ है वो बराबर है। तो नेक्स्ट मैं आप हरदम बताता हूँ कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और उसके लिए मैं ऊपर वाले का कैसा धन्यवाद दूँ, उसको कैसा एक्नॉलेज करूँ, यार मुझे इतना सारा मिल चुका है मैं तो खुश होना चाहिए, मैंने सामने वाले की तरफ दुखी हो क्यों होना है? तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इसलिए कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञता में रहना चाहिए ऊपर वाले की, जो मुझे मिला है बहुत सारा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मिला है उसके लिए आप यदि कृतज्ञ है तो जो आपको मिला है, जो आपके पास में है, वो बढ़ता चला जाएगा, वो और आपके पास में आता जाएगा। तो जो मिला है वो ठीक है, जो है उसमें मैं खुश हूँ, हाँ मैं कोशिश करूँगा आगे बढ़ने की, मगर उसके लिए तक 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 नहीं करूँगा, उसके लिए स्ट्रेस नहीं करूँगा। मराठी में हम बोलते कि ठेवी अनंते तैसे ही रहावे चित्ती असोद्यावे समाधान, मतलब जैसा ऊपर वाले ने रखा है वैसा रहो और दिमाग में मस्त खुशी शांति रखो। तो खुद का स्वीकार करना, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ और जैसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। खुद का स्वीकार करना, खुद के ऊपर प्यार करना, ये जब आप चालू करेंगे डेफिनेटली निगेटिव पैटर्न्स, निगेटिव थॉट पैटर्न्स कम कम होते जाएंगे और दिमाग में डोपामिन सेरोटोनिन लेवल बढ़ता जाएगा, आप बिना दवाई के अच्छे हो जाएंगे। तो जरूर करना है, आप ये करो, कमेंट बॉक्स में डालो आपके कमेंट्स, मैं जरूर पढ़ूंगा। यदि आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। 15% लोग हमारे देश में सफ़र हो रहे हैं और उसमें के बहुत सारे लोग अभी एडिक्ट बन चुके हैं दवाइयों के, उनको दवाई चाहिए ही चाहिए, उसके सिवा जमता ही नहीं है। तो ये भी नहीं होगा, एडिक्शन भी कम हो जाएगा, लोग भी खुशहाल रहेंगे, अपना देश आगे बढ़ेगा। सो ये आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।